स्टॉपिंग एडवर्टाइजिंग टू सेव मनी इज लाइक स्टॉपिंग योर वॉच टू सेव टाइम। सबसे पहले तो कमेंट करके ये बताओ कि आपको इस स्टेटमेंट से क्या सीखने को मिलता है और ये स्टेटमेंट किसका है। नंबर 1 फिलिप कॉटलर, नंबर 2 हेनरी फोर्ड और नंबर 3 बिल गेट्स। ओके, इस बात से तो आप भी एग्री करोगे कि हमारे इंडिया में ना मार्केटिंग को एक्सपेंस की तरह देखा जाता है, इसीलिए ज्यादातर लोग अपने बिजनेसेस की मार्केटिंग ही नहीं करते और इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, 90% बिजनेसेस 5 साल के अंदर ही शट डाउन हो जाते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम इस मार्केटिंग के माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करियर यात्रा और इस वीडियो में हम मार्केटिंग सीरीज के पार्ट 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में जिसको कि आप अपने अपकमिंग या फिर करंट बिजनेस में अप्लाई करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और हाँ, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस फैमिली का पार्ट बन जाइए। प्रॉमिस करता हूँ आपका ये सब्सक्रिप्शन बेकार नहीं जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखो, इस सीरीज के पार्ट 1 में हमने ये 5 मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर किया था और बाकी 5 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 6 नंबर पे जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो है क्रिएट एन एफिलिएट प्रोग्राम। अब चाहे कोई भी कंपनी का एग्जांपल ले लो, चाहे वो अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, क्लिक बैंक हो या फिर कोई भी कंपनी जो कि ऑनलाइन में अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो बेच रहा हो, वो कंपनीज अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। अमेज़न के एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोग्राम में क्या होता है, हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर्स वहां पे उन प्रोग्राम्स को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट कर सकते हैं। उन प्रमोशन के जरिए अगर कोई सेल आया तो अमेज़न हमें डायरेक्टली कमीशन पे करता है। ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम से सबका विन विन सिचुएशन होता है, कंपनी को सेल मिल जाता है, हमें हमारा कमीशन मिल जाता है और कस्टमर को भी अपना प्रोडक्ट उसी दाम में मिल जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा टूल है अगर आप अपने बिजनेस पे इसे अप्लाई कर सके तो। अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो लोग उसे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे और जितना ज्यादा प्रमोशन होगा उतना ही ज्यादा सेल होगा। तो दोस्तों, अपने बिजनेस में एफिलिएट प्रोग्राम का यूज जरूर करो। और हाँ, अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं कि आप इसे कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे ये सब कुछ होगा, तो कमेंट कीजिए, इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। नंबर 7 पे जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो है सेट अप ए वेबिनार। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कुछ कुछ बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा काम करती है, जैसे कि अगर आपका कोई भी कोर्स बिजनेस या फिर ई लर्निंग बिजनेस है या फिर आप MLM या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है या फिर आपका कोई सॉफ्टवेयर है जो कि आप ऑनलाइन में सेल करना चाहते हो, तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत काम करेगी। वेबिनार तो सबको पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, जैसे कि पहले सेमिनार हुआ करता था ना, सेमिनार बेसिकली ऑफलाइन में हुआ करता था। कोविड की वजह से सेमिनार तो नहीं हो सकता, लेकिन आप एक वेबिनार सेटअप कर सकते हैं, इसको आप ऑनलाइन मीटिंग भी बोल सकते हैं। सपोज आपका एक कोर्स बिजनेस है, उस कोर्स के बिजनेस के लिए आपने एक वेबिनार सेटअप किया, आपने उस ऑनलाइन वेबिनार में कस्टमर को कुछ सिखाया, कुछ वैल्यू प्रोवाइड किया, उसके बाद अपने कोर्स के बारे में बताया, उसके बाद जिसको वो वेबिनार वैल्यूएबल लगेगा वो कोर्स लेगा और जिनको वो वेबिनार अच्छा नहीं लगेगा वो कोर्स नहीं लेगा, सिंपल सी बात है। तो जब भी आप कोई भी वेबिनार सेटअप करें तो उसमें आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि हमें हमेशा कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देना है। ओके, तो नंबर 8 पे जो हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो है बिल्ड ए ग्रेट लीड मैग्नेट। देखो, इस स्ट्रेटेजी को आप बड़े ध्यान से देखना क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में ये स्ट्रेटेजी बहुत काम की है। लीड मैग्नेट एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे कि कस्टमर आपके पास खुद ब खुद चल के आएगा। चलो हमारे ही एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। हमने डिजिटल रियल एस्टेट बिजनेस के ऊपर एक वीडियो बनाया था और वही वीडियो हमारा लीड मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि उस एक वीडियो से ही मुझे रियल एस्टेट ओनर्स की बहुत सारे लीड्स मिले और उन लीड्स को हम अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज सेल कर सकते हैं। इन स्ट्रेटेजी को जिन जिन लोगों ने फॉलो किया है ना, उनकी कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा होती है। तो आप अपने बिजनेस के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे कौन से लीड मैग्नेट बना सकते हैं जिसके जरिए लोगों को वैल्यू मिले। सपोज आप अपने कस्टमर्स को कोई PDF दे सकते हैं, आपने लिखी हुई ई-बुक दे सकते हैं, कोई फ्री कोर्स दे सकते हैं या फिर हमारे जैसे वीडियोस बना के लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिमाग लगाना होगा कि आप अपने बिजनेस के लिए कौन से लीड मैग्नेट का यूज कर सकते हैं।
हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे 9 नंबर पे जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो है यूज गूगल माई बिजनेस एंड ज्वाइन लोकल बिजनेसेस ग्रुप। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लोकल बिजनेसेस के लिए बहुत काम करती है। सपोज आपका एक ग्रोसरी शॉप है, उस ग्रोसरी शॉप को अगर आपने गूगल माई बिजनेस पे रजिस्टर कर लिया तो उससे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन इसमें आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत बढ़ती है। इसलिए अगर आपका लोकल में कोई भी बिजनेस हो तो उसे आप गूगल माई बिजनेस पे जरूर रजिस्टर कीजिए। और हाँ, अगर आपको ऐसे रजिस्टर करना नहीं आता तो आप YouTube में जाके सर्च कीजिए, आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगी, उन वीडियोस से सीख के आप उसे रजिस्टर कर सकते हैं। देखो, लोकल बिजनेस को मार्केट करने के लिए और एक बहुत अच्छा टेक्निक है, वो है Facebook ग्रुप। आप जिस भी कैटेगरी में काम कर रहे हैं उस कैटेगरी को जाके आप Facebook पे सर्च कीजिए, इसके रिगार्डिंग आपको ढेर सारे Facebook पे ग्रुप मिल जाएंगे, उन ग्रुप्स में आप ज्वाइन कीजिए, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग वहां पर पोस्ट कीजिए। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आप एक फूड कंटेनर का बिजनेस करते हैं तो फूड कंटेनर कौन यूज करता है? रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन्स, ये सभी फूड कंटेनर को यूज करते हैं। तो आप जाके फेसबुक पे रेस्टोरेंट या फिर क्लाउड किचन के जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें जाके आप ज्वाइन होइए, और वहां पर जब आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग पोस्ट करेंगे तभी जिन जिन लोगों को फूड कंटेनर की जरूरत है वो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप देखिए कि आपकी बिजनेस की कैटेगरी क्या है और आप किन फेसबुक के ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे इस वीडियो का जो लास्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो है यूज फेसबुक एड्स विथ रीटारगेटिंग। इसमें मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि सबको पता है कि फेसबुक एड्स की हेल्प से आप अपने बिजनेस को कहां से कहां ले जा सकते हो। देखो, हमारा जो फ्री डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मेरा एक सवाल है, सवाल मतलब आप सब मुझे एक सजेशन दीजिए, वो जो डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी कोर्सेज के वीडियोस होंगे क्या हम इसी चैनल पे अपलोड करें या फिर दूसरा एक चैनल क्रिएट करके हम उस पर अपलोड करें। हम सोच रहे हैं कि एक ऐसा चैनल क्रिएट कर दे जहां पर जाके आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो, एनिमेशन स्किल हो, वो जितने भी कोर्स होंगे ना वो सारे कोर्सेज के वीडियोस उस दूसरे वाले चैनल पे अपलोड होगा। आप सभी का सजेशन मुझे चाहिए, प्लीज कमेंट कीजिए, और उस दूसरे वाले चैनल का नाम क्या होगा अगर आपके पास कोई अच्छा नाम है तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक ऐड एक ऐसा टूल है ना जिसको अगर आपको इस्तेमाल करना आता है ना तो आप किसी भी एक बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। इसीलिए जो हम आपको सिखाने वाले हैं उस कोर्स में वो बहुत ही वैल्यूएबल होगा और वो फ्यूचर में आपकी काम बहुत आएगा। तो दोस्तों, यही थे वो 10 ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जिसको कि आप अपने बिजनेस में अप्लाई करके अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको इसका पार्ट 1 देखना है तो आप इस लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतना ही, तो फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज करियर यात्रा साइनिंग आउट। अंटिल वी मीट अगेन।